21 पॉइंट। एक जो बड़ा बैग है ना उसके अंदर सिर्फ योगेश के जूते रहने वाले, बिकॉज जब योगेश इंडिया जाता है ना तो 10 से 15 पैर लेके जाता है। इसको इग्नोर करो, इस काम कर तू बाहर निकल, क्योंकि तेरे से बैग उठेगा नहीं। तो ही तो मेरे शौक है, हम दें मैं फुल रेडी क्या। बट इवन यू नो हाउ मच कोल्ड राजस्थान इज। क्या करूं मैं, वो बैग खोल दूं बड़ा वाला, फिर पैकिंग करेंगे, फिर रेस्ट लेंगे, फिर पैकिंग करेंगे, तब तक तो आ जाएगा नेक्स्ट संडे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल है, बिकॉज आज हम लोग इंडिया जाने की पैकिंग कर रहे हैं। सो यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, हम लोग इंडिया जा रहे हैं और उसकी पैकिंग करनी है अभी। एक्चुअली ये लास्ट वीकेंड है, नेक्स्ट वीकेंड को हम लोग इंडिया होंगे अगर सब कुछ सही रहा। बिकॉज बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं अभी भी कोविड के रिलेटेड, और अभी RT-PCR मैंडेटरी है। सो अगर सब कुछ परफेक्ट हो गया, सब कुछ नॉर्मल रहा, देन विल बी इन इंडिया नेक्स्ट वीकेंड। सो ये एक्चुअली प्लान अचानक ही हुआ हम लोगों का, हम लोगों का प्लान नहीं था। बिकॉज हम लोग अभी जस्ट जाकर आए थे, इन जनवरी हम लोग वापस आए, तो अराउंड 10-11 महीने ही हुए हैं। कुछ रिलीफ चाहिए, कहीं घूम के आए। अभी कोविड चल रहा है तो कहीं और जगह पर उतार नहीं सकते, बिकॉज होटल ये वो पता नहीं कितने लोगों ने यूज़ की रहेगी, क्या है क्या नहीं है। सोचा कि सबसे बेस्ट सेफेस्ट ऑप्शन होगा इंडिया जाने का, बिकॉज वहाँ पर खुद का घर है, मॉम डैड को मिल लेंगे, सारे परिवार को मिल लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई नहीं है एक्सेप्ट हम दोनों, तो सब मिल लेंगे सबसे, और कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे। और तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया इंडिया जाने का, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। सो सबसे बड़ा कैच ये है कि घर पे हमारे किसी को पता नहीं है, सिर्फ इंडिया जाने का, सिर्फ मुझे, ममता को और मेरे बड़े भाई को जो इंडिया में उसे पता है, बाकी किसी को पता है नहीं। घर पे मॉम डैड को पता नहीं है, इसके मॉम डैड को पता नहीं, किसी को भी पता नहीं है। तो इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ अलग से सरप्राइज़ देने का। वैसे हम लोग एवरी ईयर कुछ ना कुछ सरप्राइज़ करते ही है, इस बार कुछ अलग सरप्राइज़ कर रहे हैं, और वो क्या है वो हम लोग आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताते रहेंगे। आज का वीडियो है सिर्फ पैकिंग करना है, सब सारा सामान आ चुका है, बैग्स हम लोग अभी सब बाहर निकालने वाले हैं और पैकिंग चालू करने वाले हैं। आई होप हमारा RT-PCR सही हो, नेगेटिव हो जाए सबका। वैसे तो हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हमेशा, लास्ट भी हम लोग गए थे इंडिया तो हम लोग 15 दिन तक घर पे ही थे, हम लोग कहीं बाहर एक्सपोज नहीं हो रहे थे, सो दैट वी आर सेफ एज वेल एज जो भी हमारे साथ फ्लाइट में जर्नी कर रहे हैं वो सारे सेफ रहे। तो ये हमारा एक प्रिकॉशन है जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग रखते हैं एवरी टाइम हम लोग इन कोविड, वेन एवर वी वेंट टू इंडिया। सो ये सेकंड टाइम हम लोग जा रहे हैं, तो इस बार भी हम लोग हमारा वही है, 15 दिन से हम लोग बाहर गए नहीं है। और रही बात ग्रोसरी की, तो सारी चीज ग्रोसरी हम लोग हमारे फ्रेंड को बोलते हैं, तो वो वीकली ग्रोसरी हमारे यहाँ पे। हाँ, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत दूध वगैरह होता है या कुछ कुछ टमाटर वगैरह, तो अपने फ्रेंड को बोल देते, वैसे भी तो सब कुछ खत्म ही करना जाने से पहले। एक्चुअली क्या, हर एक सिचुएशन सेम नहीं होती हमारी तरह। मैं घर से काम कर रहा हूँ इसलिए बाहर नहीं जा रहा, बट बहुत लोग जो बाहर काम करते हैं एवरी डे, वो लोग, उनका इसका ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू गो इट राइट। बट मैं सोचा चलो घर से काम कर रहा हूँ तो वाई वी शुड गो आउटसाइड एंड एक्सपोज आवरसेल्फ राइट। 15 दिन का हम लोग ये क्या बोलते हैं क्वारंटीन कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप नए हो चैनल पर, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। बैग निकालने का हैसल है अभी, हमें से तक कचरा पड़ा है, सारी चीज़ें हमें डालनी है। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये हम लोग ने बनाई है नान खटाई। तो लास्ट ईयर जब हम लोग दिवाली से पहले गए थे, ये लेकर गए थे वहाँ पे, उनको बहुत पसंद आई थी, तो सोचा इस बार भी उनको उनके लिए लेके जाए। तो देखो बच्चे वहाँ पर हमारे नेफ्यूज हैं मेरे बहुत सारे, तो सब चॉकलेट्स ये वो, तो ये सारी चीज़ें सब पैक करनी है। सब ला ला के एक बॉक्स में डाल के रख दिया, कई चीजें मिस ना हो और एक ही जगह पता हो कि हमें सब चीजें लेके जाना है। एग्जैक्टली, काम कर तू बाहर निकल, क्योंकि तेरे से बैग उठेगा नहीं। ये वाला ब्लैक वाला, हाँ उठेगा, उठ जाएगा। हाँ, बड़ी स्ट्रांग है भाई। और ये सारा काम हम लोगों को आईवी के उठने से पहले पहले करना है, क्योंकि वो एक बार उठ गई पूरा मैस कर देगी, बैठ जाएगी बैग के अंदर। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, तो आई थिंक सो इतने बैग काफ़ी है। गैस, हाँ इतने काफ़ी हो जाएंगे, आई होप हो जाए। आते वक्त तो हम लोग फिर इंडिया से कुछ ना कुछ ले लेंगे, बस बेसिकली बैग यहाँ से लेने चाहिए, बट इट्स ओके। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक जो बड़ा बैग है ना उसके अंदर सिर्फ योगेश के जूते रहने वाले, बिकॉज जब योगेश इंडिया जाता है ना तो 10 से 15 पैर लेके जाता है। नहीं नहीं नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं सिर्फ 4 पैर लेके जा रहा हूँ। हाँ बोलते हो, बट भी बोलते ये भी ले लो, ये भी अच्छा है ना, ये भी ले लो ना, मतलब इंडिया जाएंगे वहाँ पे घूमने का प्लान होगा या नहीं होगा। बस कर, चलो कहीं हाइकिंग के लिए चलेगा तो ये हाइकिंग के लिए चाहिए। ओके, हम कहीं बीच पे चलेगा तो ये बीच के लिए चाहिए। नहीं नहीं, ये सब
ये सब बेबुनियादी बातें हैं इसकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे जूतों का शौक है, एक ही चीज़ का शौक है मेरे लाइफ में, वो है जूतों का। और मैं जूते बहुत ज़्यादा कलेक्शन करके रखे हुए मैंने, तो उसमें से मैं 4-5 लेके जाता हूँ, जरूरी तो बोलती है 10-12 लेके जाती कुछ। और आप मैंने कपड़े भी बहुत एक्स्ट्रा लेके जाते हो, अरे ये भी चाहिए रहेगा, ये भी चाहिए रहेगा, तो ही तो मेरे शौक है। हाँ, तो कपड़े मतलब और जूते योगेश सिर्फ दो बैग कपड़े जाते उसमें से ना यूज है ना, योगेश सिर्फ 25% कपड़े यूज करते हैं, बाकी सारा ऐसे ही आते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है गाइस, नहीं नहीं ऐसा ही इसको है, इग्नोर करो इग्नोर हर इग्नोर। मैंने योगेश को बोला इतने सारे हुडीज आपको कोई काम की नहीं है इंडिया में, बिकॉज हम लोग बॉम्बे में रहते हैं और बॉम्बे में बिल्कुल गर्मी नहीं होती है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, सिर्फ बॉम्बे में रहते हैं हम लोग और कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन राजस्थान तो हम लोग सिर्फ 15 दिन के लिए जाने वाले, सिर्फ 15 दिन गाइस, सिर्फ 15 दिन कितने होते हैं बताओ। ठंडी भी नहीं होती है, वो जैकेट से काम चल जाता है। क्या है ना, व्लॉग के सामने तो बोलने की बातें तो बोल दे, बट इवन यू नो हाउ मच कोल्ड राजस्थान इज, एवरीबॉडी नोस, जो इंडिया में रहते हैं उनको पता है। सबसे पहली चीज़ हम लोग करते हैं वो है सारा सामान लेके आएंगे यहाँ पर और रख देंगे, उसके बाद अरेंज करना चालू, बिकॉज पैकिंग करना इज अ टफ टास्क फॉर मी, मेरे को पसंद नहीं पैकिंग करते। अभी यहाँ पे 2 बैग, तीन बड़े बैग है और 2 छोटे बैग है, सो विल सी हाउ मच वी नीड। तो फिर क्या करूँ मैं, वो बैग खोल दूँ बड़ा वाला ब्लैक वाला? ठीक है ना, और वो सब भी खोल लेते क्योंकि सब यहाँ वहाँ अरेंज करने पड़ेंगे वापस, क्योंकि सामान आ गया ना ज़्यादा। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें है ना जमा दी थी, बिकॉज जैसे हम लोग सामान खरीद रहे थे वैसे हम लोग बैग में डाल रहे थे, सब ऐसे पड़ा हुआ है, इसको प्रॉपरली करना बाकी। सो एज यू कैन सी, ये जो बैग है ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, कुछ कुछ सामान डालना बिकॉज अब तक 23 kg हुआ नहीं है। और जो ये वाला बैग है ना वो भी हम लोग ने किया हुआ है, और ये बैग खाली, तो 3 ही बड़े बैग है, और अगर 3 बड़े बैग कम पड़ेंगे तो हम लोग वो स्मॉल बैग यूज़ करेंगे। सो फिलहाल लेट्स सी क्या होता है। स्मॉल एक तो लेना ही है आईवी के लिए, हम लोग आईवी के लिए अलग से बैग बनाएंगे। हाँ, आईवी का पूरा अलग बैग है बिकॉज उसके सामान स्मॉल स्मॉल है, उसके लिए बैग इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो वो और कभी भी इमरजेंसी होगी रास्ते में तो बैग हाथ में कैरी करना जरूरी है। तो आईवी का बैग जो है वो हैंड बैग होगा हमारा, जिसके अंदर उसके सारे कपड़े होंगे। ये बैग है, इसके अंदर जो हम लोग वो चीज़ें रखते हैं, मैंने कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर ही रखी है, कुछ टॉक्स है नए वाले, जैसे एक तो हमें ट्रैवलिंग में लगता है हेडफोन। हाँ, एक्चुअली ये मैं लिया था लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर बहुत छोटी थी इसलिए यूज़ नहीं हुआ, तो अभी लिया हुआ है बिकॉज जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है लैंड करती है तो बच्चों की ईयर जो है ना पॉपअप होते हैं। फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग करते विद 11 months old, तो बहुत सारे कंसर्न थे, तो ये लिया, बहुत कुछ लिया ममता ने। ये तो कुछ काम आया नहीं ये साल काम आएगा, पर ये साल उसको है ना काम आ जाएगा, उसको पहना देंगे। स्ट्रैप लिया है रास्ते में, जब भी आप एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वगैरह से निकलते हो तो ये इजी होता है कैरी करने के लिए। जिस ईयर हम लोग स्ट्रोलर लेके नहीं जा रहे आईवी के लिए, बिकॉज अभी आप ही चल में बहुत हैसल हुई थी। हाँ, और अभी वो वॉक कर लेती है हाथ में, ये बैग है उसका और इसके अंदर थोड़े खाने पीने का सामान होगा आईवी का। हां, इसमें सब जो हैंडी चीज़ के खाने पीने की चीज़ें, इसके डायपर जो भी होगा इसके अंदर होगा, और उसके अंदर उसके सारे कपड़े होंगे, इनके से इमरजेंसी में कुछ लगता है कि इसने गंदे कर दिया जो भी है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आईवी की सारी चीज़ें हम लोग हैंडी रखते हैं, एक भी बैकपैक में नहीं डालते, इसमें हम लोग आईवी के टॉयज भी डालेंगे, तो ये आईवी का बैग उसी से भरेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए डालना पड़ेगा, नहीं तो परेशान कर देगी लॉन्ग जर्नी, क्योंकि लॉन्ग जर्नी यहाँ से इंडिया की, राइट, सो इट्स हार्ड विद द बेबी। और हम लोग ने ट्रैवलिंग के लिए आईवी के लिए लर्निंग बुक परेशान कर देते। लास्ट ईयर छोटी थी, बोलती नहीं थी, मोस्टली सोई रहती थी, तो इतना हैसल नहीं लगा, बट दिस ईयर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली बच्चों के साथ ट्रैवल करना कितना टफ होता है, जब वो एक जगह बैठते नहीं है, घूमते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, सो देखते कैसा होगा, हमें नहीं पता जर्नी हमारा। आई होप सब सही रहे, दैट्स व्हाट आई एम प्रेइंग।
हाँ तो वो स्मॉल जो बैग ना वो तेरा रख देते, ये दो मेरा मेरा हाँ, कर इसमें देते। क्या आधा इसमें पीछे, आधा इसमें पीछे, आधा इसमें पीछे, सब पैकिंग करते जाएंगे राइट। तो तेरे जो शूज वूज है ना वो मुझे मुझे बोल दे कहाँ पर है, सब कुछ लिख रहा है यहाँ शूज पर। तो मैं पहन रही हूँ और सैंडल्स सैंडल्स में वो ना एयरपोर्ट पे पहनूंगी राइट, ठीक है। तो वो मुझे आप लोग लेके बैग में डालना या इधर मैं आईवी के बैग में डाल दूंगी। हाँ ठीक है चलो देख लेंगे। और कुछ नहीं ना, और एक मेरी सैंडल है वो मैं ले आती हूँ, हाँ वो वो तो डालनी है, वो वो ले लेकर आती वो हूँ। लेकर पैकिंग हो चुकी है एज यू कैन सी। बहुत ही हैसल है पैकिंग करना, पता नहीं कौन सी चीज़ें कहाँ डालनी है, कुछ पता ही नहीं चलता। यस, सारी अकॉर्डिंग टू वजन सारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की हुई है कि सब हाँ एक ही वही बैग में ज्यादा वजन ना एग्जैक्टली, हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सारे कपड़ों क्लियर यहाँ से वहाँ कर सकते हाँ हैं। वही तो ये अभी वही मेरी फिफ्टी फाइनल है परसेंट हुआ है और 50% बाकी है। मैं ऑलरेडी थक गया हूँ, एज आई सेड मेरे को बहुत बोर होता है पैकिंग करना, तो ममता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो एंड में करता। थोड़ा रेस्ट लेंगे फिर पैकिंग करेंगे, फिर रेस्ट लेंगे फिर पैकिंग करेंगे, तब तक तो आ जाएगा नेक्स्ट संडे। सो गाइस पैकिंग हो चुकी है, आई वुडन्ट से फाइनल पैकिंग हो गई है बट हो गई, जितने भी मेन मेन सामान एटी है सब परसेंट घुस पैकिंग चुके हो गई हैं। 90% हो चुका है, हाँ टेन नाइनटी परसेंट बाकी है वो एंड ऑफ द डे करेंगे। सो वही अभी सारे बैग्स खड़े कर दिए हम लोगों ने, अभी ये बारी आती है वज़न करने की। एज यू गाइज नो ओनली 24 kg, सॉरी 23 kg अलाउड पर बैग। मैंने ये वज़न का काटा लाया हुआ है, ईजी होता है। इंस्टेड ऑफ एयरपोर्ट जाओ और वहाँ पर फिर वज़न करो और फिर यहाँ से वहाँ सामान निकालो, आई मीन यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, उससे बेटर है ये वो वेट वेट कर दिया घर पे ही, और कुछ भी रहेगा शिफ्टिंग तो कर सकते हैं यहाँ पे राइट। यहाँ से करता है साइड से, लग नहीं रहा है कि सामान ज़्यादा है बट चालू भी है कि नहीं है। हाँ चालू है, चालू है। अभी कोई आई भी उड़ गई ना, अभी परेशान कर रही है। 21 point इसका हो गया है, 21.60, 21.60 मतलब इसमें 1 किलो और सामान जा सकता है आराम से, 1.5 किलो, 1.5 किलो। ओके, अब इस बैग की यही बार, है। हाँ ये इससे ज्यादा भारी है ये भारी लग रहा है, लगता है इसमें से निकलना पड़ेगा बेटा और गिर जाएगा आप पे। आई होप ये 23 हो एग्जैक्ट, तो टेंशन नहीं रहता। हाँ, तो यह सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं चाहे ये बहुत मुश्किल से तो मैं पैक किया हुआ है, 22 है ये। 22 मतलब 1 किलो। आकाश हाँ, थैंक गॉड। ओके अब ये वाली बैग की बारी। सो ये दोनों तो हो गए, इसके अंदर अभी भी 1-1 किलो की कमी है, वो बाद में भर लेंगे हाँ, वैसे भी कुछ ना छोटी मोटी सामान हो ही जाएगा जो 1-1 किलो यहाँ से यहाँ शिफ्ट। हम फुल रेडी क्या? यस रेडी टू गो तो आज ही इंडिया, निकल जा आज ही निकल काम जाओ, आज कर तो छोड़ के तो गया, अभी तो मैं क्या बैग मांगी है। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। हाँ 3 घंटे के बाद फाइनली पैकिंग हो गई है, 90% हो चुका है और पता ना 10% कुछ ना कुछ रह जाता है आपको, तो एंड में वो होगा, तो थर्सडे फ्राइडे को कुछ ना कुछ आता रहेगा अंदर। बट लकीली सबसे अच्छी बात यह है कि सारे बैग 23 kg के अंडर है, सो अच्छा है, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है और सब में 1-1 किलो की अभी भी रूम है,
डाल सकते हैं हम लोग अंदर। हाँ इसमें तो 3 किलो की, 3-4 किलो की, 18.9 समथिंग, तो 19 के जी समझ। हाँ वही तो, वही गाइस है, देखो सब हो चुका है। दिखा लिए मुझे मेरा वो कैरी ऑन खाली करना है पैक, वो मैं एंड में करूँगा। मेन चीज़ें होगी राइट, क्योंकि मेन चीज़ें होना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इंडिया की पैकिंग करने का जो होती है एक्साइटमेंट वो अलग ही होती है, तो वही खुश भी है बट नर्वस भी है बिकॉज ऑल दिस कोविड रेस्ट्रिक्शन एंड स्टफ, बट इट्स ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप प्लान कर रहे हो कोर्ट में जाने का तो ये सारी चीज़ें तो आपको झेलनी पड़ेगी, अदरवाइज घर पे बैठे रहो। और आपके साथ हम लोग आपकी हमारी पूरी जर्नी शेयर करेंगे एंड टू एंड, बच्चे के साथ किस तरह से ट्रैवल करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल्ड ट्रैवलिंग, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। एवरीथिंग ठीक है गाइस, अभी आज का हम लोग ब्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे, थक गए फुल ऑन, तो मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज गाइस लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना वीडियो पे गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।